ज्ञानंद एंग्लो वैदिक, एंग्लो बीच में है और ज्ञानंद और वैदिक साइड में है। एंग्लो मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन, ताकि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो ज़्यादा का उसका प्रभाव इंडिया के ऊपर ना हो जाए, तो वेदास ज्ञानंद जी दोनों साइड में खड़े हैं और उसको जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको बीच में रखा हुआ है, ताकि उसको कंट्रोल वे में रखा जा सके। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, डीएवी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बड़ी पुरानी है, 1886 से चली आ रही है, 131 साल पुरानी है। और बिफोर इंडिपेंडेंस जिसमें बड़े बड़े लोगों ने योगदान दिया, ज्ञानंद जी, हंसराज जी और भगत सिंह, लाला लाजपत राय, और उन दिनों एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर इंडियंस, तो ये डीएवी ऑर्गेनाइजेशन आगे आया और ज्ञानंद जी के जो सोशल रिफॉर्मर थे, तो उनके सिद्धांतों के ऊपर चलते हुए जो उनकी सोच थी, जो वो चाहते थे, उन वैल्यूज को आगे लेके चला, जो एक काफ़ी बड़ी मूवमेंट बनी जिससे इंडिपेंडेंस लेने में इंडिया को काफ़ी मदद मिली। एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटीज डीएवी की हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, डिग्री एंड पीजी कॉलेजेस हैं, वेरियस स्कूल्स हैं, जो मोर देन 900 इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड वो वर्क कर रहे हैं। और ये जो डीएवी संस्थाएं हैं ये बाकी इंस्टीट्यूशन से टोटली डिफरेंट है। ये कोई वन मैन शो नहीं है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी या कुछ है, ये लोग चैरिटेबल संस्था है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्योरली लोगों के लिए, भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोगों के लिए काम कर रही है, जो लो पॉवर्टी लाइन लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके बच्चों के लिए ये काफ़ी, और फीस स्ट्रक्चर भी बड़ा नॉमिनल सा होता है, तो काफ़ी अच्छा काम ये भी संस्थाएँ काफ़ी सालों से कर रही हैं। उसी का पार्ट हमारा एक इंस्टीट्यूशन की भी यमुनानगर भी है, तो उसी तरीके से ये भी काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।